एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ ये रैपिड रेल सिस्टम होगा जो 82.15 किलोमीटर ओवरग्राउंड होगा, 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा और ये एनसीआर में रैपिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसका एक फंडिंग मैकेनिज्म है जिसमें पार्ट ग्रांट पार्ट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। सेंट्रल असिस्टेंस जो लोन और ग्रांट की वजह से होगी वो 5634 करोड़ रुपीज 5634। बाकी इसके फंडिंग के कई और मैकेनिज्म्स हैं एक्स्ट्रा बजटरी, वो टोटल जो है वो रुपीज 30,274 करोड़ है और इसमें लगभग 6 साल इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। और इसका एक और स्वाभाविक लाभ होगा कि इस कॉरिडोर के साथ साथ कई ऐसी टाउनशिप्स हैं पेरिफरी पे जो एकदम दिल्ली और मेरठ एनसीआर की वजह से रैपिडली दिल्ली के साथ कनेक्ट हो जाएंगी और उन टाउनशिप्स में काफी अर्बनाइज्ड डेवलपमेंट और उसके आसपास के रूरल एरियाज में होगा। ये टाउनशिप्स जो हैं ये दिल्ली से चलेगा गाजियाबाद, गुलदर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर और फिर मेरठ। So this will lead to a rapid development of this region itself. इसके साथ साथ एक दूसरा major urban transport system जो आज approve किया गया वो अहमदाबाद metro rail project का phase 2। इसमें 2 नए corridor होंगे, एक मोटेरा स्टेडियम से लेकर महात्मा मंदिर तक मोटेरा स्टेडियम साबरमती के तट पे है अहमदाबाद में और महात्मा मंदिर गांधीनगर में है और दूसरा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लेकर गिफ्ट सिटी तक।